हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है, इसमें हम प्रोटीन ट्रांसपोर्ट की जो सीरीज हम पहले देख रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने देख लिया था कि किस तरीके से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है ईआर में और डिफरेंट ऑर्गेनल्स में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। आज का जो ये लेक्चर है, इसमें हम देखने वाले हैं कि एक बार अगर ईआर में प्रोटीन प्रेजेंट है तो ईआर से वो प्रोटीन जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा गॉल्जी में, दैट इज टोटली डिफरेंट ऑर्गेनल। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में किस तरीके से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, हम आज के लेक्चर में वो देखने वाले हैं। सेल बायोलॉजी का ही ये पार्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है एक ईआर, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ईआर प्रेजेंट है। ईआर से अगर आपको किसी भी प्रोटीन को गॉल्जी में ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको वेसिकल्स का यूज करना पड़ेगा। वेसिकल्स आप क्या समझ सकते हो कि छोटे छोटे ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर एक वेसिकल की सिंथेसिस होगी, एक व्हीकल बनेगा, दैट इज वेसिकल। इसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ये वेसिकल ऑल द वे जाएगा गॉल्जी तक। गॉल्जी में जाके वो वेसिकल यहाँ पर क्या होगा, फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद यहाँ पर ये जो प्रोटीन है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं दिमाग में कि ये वेसिकल को कैसे पता चलेगा कि उसको गॉल्जी के पास ही जाना है, यहाँ पर ये वेसिकल फॉर्म कैसे होगी। इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं जिनको हम एक एक करके लेकर चलेंगे और सारे के सारे डाउट्स को आपके सामने क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें देखने की, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं गॉल्जी ईआर को, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बड़े से ईआर को। ईआर में फिलहाल स्पेसिफिकली वो प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको जाना है गॉल्जी के पास तक। तो यहाँ पर देयर इज अ प्रोटीन प्रेजेंट जिसको हम क्या नाम देंगे, कार्गो प्रोटीन देंगे, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट होके गॉल्जी के पास जाना है। इस कार्गो प्रोटीन को पहचानने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा कार्गो रिसेप्टर। आपको दो तीन बातें बिल्कुल अच्छे से ध्यान देनी है, क्योंकि ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये किसकी मेम्ब्रेन है, ये ईआर की मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, ये ईआर का ही ल्यूमन प्रेजेंट है। तो ईआर की मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, ये जो जितना भी पूरा रीजन आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पर ये है साइटोप्लाज्म। This is what? This is cytoplasm. इधर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कहीं पे गॉल्जी प्रेजेंट होगा जो हम फ्यूचर में बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो कार्गो का रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होगा ईआर की मेम्ब्रेन पे। हमें यहाँ पर अब ये कार्गो आके इससे बाइंड हो जाएगा, यहाँ पर ये कार्गो आके बाइंड हो गया और इसने रिसेप्टर एंड टारगेट प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब हमें यहाँ पर इसके अराउंड एक वेसिकल फॉर्म करनी पड़ेगी, इस वेसिकल को फिर इस मेम्ब्रेन से अलग करना होगा और उस वेसिकल को हमें गॉल्जी तक पहुँचाना है। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स आएंगे जो कि इस वेसिकल की फॉर्मेशन करने में मदद करेंगे, जिनमें से एक प्रोटीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम होता है सार1 प्रोटीन। ये सार1 प्रोटीन जो है ये दो तरीके से एक्ट कर सकता है, ये या तो जीडीपी से बाइंड रह सकता है या फिर ये जीटीपी से बाइंड हो सकता है। अगर ये जीडीपी से बाइंड है, यानी कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। सार1 प्रोटीन एक स्पेशल प्रोटीन कैसे है, क्योंकि इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, इसके पास एक्टिविटी होती है जीटीपीएज एक्टिविटी। जीटीपीएज एक्टिविटी यानी कि इट हैज द कैपेबिलिटी टू ब्रेक जीटीपी इंटू जीडीपी। जीटीपीएज ऐसा प्रोटीन जो कि जीटीपी को तोड़ सके जीडीपी में, और फिलहाल ये किससे बाइंड है, फिलहाल ये जीडीपी से बाइंड है, तो उसको तो ये तोड़ेगा है नहीं। इस सार प्रोटीन से हमें वेसिकल्स बनवाने की शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले हमें इसे एक्टिव करना पड़ेगा। ये जो प्यारा सा इनएक्टिव है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहीं पे अगर हम फिर से देख लें एक बार ईआर की मेम्ब्रेन, तो ईआर की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है इसका साथी जो कि इसको एक्टिव करेगा, और उसका नाम होता है सारगिफ। इसका नाम क्या होता है, सारगिफ। सारगिफ का मतलब क्या होता है, अगर मैं गिफ का आपको एक बार मतलब बता दूं, तो गिफ का मतलब होता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये क्या करेगा, ये एक्सचेंज फैक्टर है, यानी कि किसी चीज को लेगा और किसी चीज को देगा, एक्सचेंज करेगा ये।
किसके बीच में एक्सचेंज करता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर क्या एक्सचेंज कर सकता है, ये जीडीपी को हटा सकता है, निकाल सकता है और उसकी जगह जीटीपी को अटैच करवा सकता है, इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर भी ये क्या करने वाला है, यहाँ पर भी ये सिमिलर चीज करने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ये क्या करेगा, इसके जीडीपी को तो करवा देगा रिमूव, यहाँ पर ये जीडीपी को क्या करवा दिया, इसने रिमूव करवा दिया और इसकी जगह यहाँ पर क्या करवा देगा, अटैच करवा देगा जीडीपी, जिसकी वजह से एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव हो जाएगा क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने बोला कि ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब इस एक्टिव हो जाने से क्या मतलब है कि ये जो सार1 है ना, ये एक प्रोटीन है, मैंने जैसा कि आपको कहा एक प्रोटीन है, तो हमें पता है प्रोटीन कैसा हो सकता है, एम्फीफिलिक हो सकता है, यानी कि उसके पास कोई ऐसा रीजन हो सकता है जो कि कैसा हो, एम्फीफिलिक हो। एम्फीफिलिक मतलब क्या होता है, एम्फीफिलिक यानी कि ऐसा रीजन जिसके पास हाइड्रोफोबिक भी रीजन प्रेजेंट और हाइड्रोफिलिक रीजन भी प्रेजेंट हो, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों रीजन्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। फिलिक यानी कि पानी से प्यार करने वाला, फोबिक यानी कि पानी से डरने वाला, ये सब बेसिक हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इसके पास भी सार1 के पास भी एम्फीफिलिक रीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन जब तक ये जीडीपी से बाइंड होगा तब तक ये एम्फीफिलिक रीजन छुपा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही ये जीटीपी से एक बार बाइंड हो गया तो इसका जो एम्फीफिलिक रीजन है वो एक्सपोज हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से अगर सार1 प्रोटीन को बना लें तो इसका कौन सा रीजन एक्सपोज हो जाएगा, इसका एम्फीफिलिक रीजन एक्सपोज हो जाता है। एम्फीफिलिक रीजन क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। क्यों एक्सपोज हो गया, क्योंकि ये अब हमारा प्यारा सा सार1 जीटीपी से बाइंड हो चुका है और ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है एक्टिव। अब ये जो एम्फीफिलिक रीजन है हमें बहुत अच्छे से पता है उसका जो हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, उसका स्पेसिफिकली जो हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, समझो इतना अगर हाइड्रोफोबिक पैच है तो ये हाइड्रोफोबिक पैच कहाँ जा सकता है, ये हाइड्रोफोबिक पैच जा सकता है यहाँ पर, मतलब ER की मेम्ब्रेन पे, क्योंकि ER की मेम्ब्रेन भी कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, और वहां जाकर ये बाइंडिंग कर सकता है, ये वहां जाके बाइंडिंग करेगा। इसके बाइंडिंग होने की वजह से होगा क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसके बाइंडिंग होने की वजह से बड की फॉर्मेशन की शुरुआत हो जाएगी। कैसे होगी, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे कार्गो प्रोटीन को हम यहाँ पे बना लेते हैं, हम यहाँ पर इस कार्गो प्रोटीन को बना देते हैं। अब क्या सिर्फ ऐसा एक ही सार आएगा, नहीं, बहुत सारे यहाँ पर सार प्रोटीन आके अटैच होंगे और इनके अटैच होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनके अटैच होने की वजह से यहाँ पर और प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट होता रहेगा। एक बार यहाँ पर सार1 प्रोटीन आके अटैच हो गया तो सार1 प्रोटीन किसको बुलाने लगेगा, सार1 प्रोटीन बोलेगा दूसरे प्रोटीन्स को कि तुम भी आ जाओ। अब ये किसको बुला रहा है, अब ये बुला रहा है अडैप्टर प्रोटीन को, अब ये किसको बुला रहा है, अडैप्टर प्रोटीन को बुला रहा है जो कि इस सार1 के ऊपर आके बाइंड करेंगे और वंस अगेन क्या करवाएंगे, वंस अगेन इस बड की फॉर्मेशन की शुरुआत करवाएंगे। तो यहाँ पर दो अडैप्टर प्रोटीन्स आते हैं, इधर कितने अडैप्टर प्रोटीन्स आते हैं, दो अडैप्टर प्रोटीन आते हैं जो कि इधर आके क्या करेंगे, सिंपली बाइंडिंग करेंगे। इन अडैप्टर प्रोटीन का नाम क्या होता है, SEC23 एंड SEC24, ध्यान से नाम याद रखना, SEC23 एंड SEC24 आके बाइंड होंगे, किसको इसने रिक्रूट करवाया, सार1 ने इन दोनों को बुलाया और इसको रिक्रूट करवाया, यहाँ पर भी रिक्रूट होगा, जस्ट वी डोंट हैव स्पेस तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं रही, यहाँ पे भी रिक्रूट होगा, जितने भी सार1 बनेंगे ना उतनों में रिक्रूट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ देर बाद की कंडीशन अगर हम इस नेक्स्ट डायग्राम में देखें, इफ़ यू हैव स्पेस तो आप उसी डायग्राम में कंटिन्यू करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर योरसेल्फ। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास कार्गो का रिसेप्टर प्रेजेंट था, यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन प्रेजेंट थी। अब धीरे 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 यहाँ पे क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पर थोड़ा सा बड बनने लग जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे किसकी सिंथेसिस होने लगेगी, बड की सिंथेसिस होने लगेगी। क्यों बड की सिंथेसिस होने लग गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सार1 और बहुत सारे SEC1 और SEC2 आके बाइंड हो गए हैं। तो धीरे धीरे यू कैन सी दिस टाइप से इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी और बड बन जाएगा। यहाँ पे वंस अगेन क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी कि कार्गो का रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये कार्गो प्रोटीन है। यहाँ पे अब हम बना सकते हैं बहुत सारे सार को, ये सब क्या है, ये सब है सार1,
जिन पे आके अडैप्टर प्रोटीन, नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे आके बाइंड हो रखे हैं अडैप्टर प्रोटीन्स। इन अडैप्टर प्रोटीन का नाम क्या है, इन अडैप्टर प्रोटीन्स का नाम है SEC-23 एंड SEC-24। ठीक है, वंस यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन आ जाती है तो ये क्या बनता है, ये जो SEC-23 और 24 से बना है ना, इसको बोलते हैं इनर कोट। इसको क्या बोला जाएगा, इनर कोट बना है। अभी तो अभी आपको इनर कोट से आपको समझ गया होगा कि आपको अभी आउटर कोट की सिंथेसिस भी करनी होगी। यहाँ पर SEC-23 और SEC-24 के आने के बाद इधर एक और लेयर ऑफ प्रोटीन्स लाया जाता है, कोट प्रोटीन्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, कोट प्रोटीन है, इसलिए कोट कर रहे हैं, और ये आउटर कोट प्रोटीन है क्योंकि सबसे बाहर प्रेजेंट होगी। उनका क्या नाम होता है, इनका नाम होता है SEC-13 एंड SEC-31। तो सबसे बाहर हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, इधर क्या होना चाहेंगे, इधर यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से SEC-13 एंड SEC-31, इस तरीके से। ये सबसे आउटर लेयर है, किसकी है, SEC-13 की एंड SEC-31 की। इसको हम बोल सकते हैं आउटर कोट। दिस इज व्हाट, दिस इज आउटर कोट। जैसे ही यहाँ पर ये आ जाएंगे SEC-13 SEC-31 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या शुरुआत हो जाएगी, यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी पिंच ऑफ होने की। यहाँ पर ये जो वेसिकल है ये पिंच ऑफ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाती है। फाइनली क्या हो जाएगी, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम देखें तो किस तरीके की कंडीशन प्रेजेंट होगी, ये वेसिकल प्रेजेंट है, ये जो ब्लू कलर की है ये क्या है, ER की मेम्ब्रेन है, ये यहाँ से पिंच ऑफ हो गई, टूट गई। यहाँ पर कार्गो प्रोटीन प्रेजेंट है, कार्गो प्रोटीन किस चीज़ के साथ अटैच है, कार्गो प्रोटीन यहाँ पर अटैच है कार्गो रिसेप्टर के साथ। इसके जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट, अब चारों तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्या, बहुत सारे SAR1 प्रोटीन्स। SAR1 प्रोटीन्स के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट होंगे, SEC-23 एंड SEC-24। और इसके जस्ट बाहर जो सबसे आउटर कोट होगा वो किसका होगा, वो होगा SEC-13 एंड SEC-31 का। इतनी बार हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई, इतनी बात अब हमें यहाँ पे समझ में आ गई है, ये क्या बन चुकी है, ये हमारी वेसिकल बन चुकी है। अब यहाँ पर एक और चीज होगी, यहाँ पर ना एक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं या फिर प्रोटीन्स आ जाते हैं जिनको बोला जाता है वी स्नेयर्स। यहाँ पे इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे जो कि एक्चुअल में प्रोटीन्स ही है, और इनको बोला जाता है वी स्नेयर्स। वी से क्या मतलब है, वी से मतलब है वेसिकल के स्नेयर्स हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। रोल आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि इनका क्या रोल है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देनी, अगर हम प्रीवियस स्लाइड में ही चले, अगर यहाँ पर जब ये सब हो रहा है, जब SAR1 जो है वो GTP से बाइंड है, GDP से नहीं बाइंड है, तो यहाँ पर ये चांस होता है कि SAR1 जो है बहुत जल्दी अपने GTP को रिलीज कर दे और वंस अगेन किससे बाइंड हो जाए, GDP से बाइंड हो जाए। मतलब GTP रिलीज कर दिया, GDP से बाइंड हो जाए, इसके पास GTPase एक्टिविटी है। तो वेसिकल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इट शुड बी फास्टर देन इसकी GTPase एक्टिविटी से। अगर GTPase एक्टिविटी जल्द होने लग गई ना, तो यहाँ पे वेसिकल नहीं बन पाएगी, फिर से पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो वेसिकल की फॉर्मेशन हो रही है, इट शुड बी फास्टर देन द GTPase एक्टिविटी। एक बार यहाँ पर वेसिकल बन चुकी है, अब इस वेसिकल, ये वेसिकल कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इस वेसिकल को अब हमें कहाँ पे लेकर जाना है, इस वेसिकल को अब हमें गॉल्जी में लेकर आना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वेसिकल तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो ये वेसिकल कहीं पे भी जा सकती है, इसको कैसे पता कि इसको स्पेसिफिकली गॉल्जी में ही जाना है, या फिर इसको कोई ले जाने वाला है क्या जो इसको बोले कि भाई तुझे गॉल्जी में ही जाना है। तो यस, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं RAB प्रोटीन। इनको हम किसी और कलर से मेंशन कर लेते हैं, इनको बोलते हैं RAB प्रोटीन। ठीक है, ये जो RAB प्रोटीन है ये किस फॉर्म में होते हैं, ये GDP से बाइंड होते हैं। GDP से बाइंड का मतलब आपको पता ही है, वंस अगेन ये किस फॉर्म में होते हैं, शुरुआत में ये इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखने के लिए कुछ प्रोटीन्स और प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको पकड़ के रखते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे, इनको पकड़ के रखेंगे ताकि ये क्या ना हो सके, भाग ना जाए और इनएक्टिव फॉर्म में ही रहे। उन प्रोटीन्स का नाम होता है GDI। उन प्रोटीन का नाम क्या है, जो जिसने इसको पकड़ के रखा और ये भागे ना, GDI।
जीडीआई की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे मैं उसकी फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ। जीडीआई की फुल फॉर्म होती है RABGDP इनहिबिटर, डिसोसिएशन इनहिबिटर। ये क्या करेगा, ये इसको इनएक्टिव फॉर्म में ही रखेगा, प्लस ये इसको क्या रखेगा, सॉल्यूबल रखेगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसको साइटोप्लाज्म में रहना है तो ऑब्वियसली इसको किस फॉर्म में रहना है, सॉल्यूबल फॉर्म में रहना ही पड़ेगा। यहाँ पर अब ये जो आरएबी प्रोटीन है ना, ये बहुत सारे होते हैं कॉर्गेनिज्म में, ये करीबन 50 होते हैं और काफ़ी नंबर होता है इनका। तो ये डिटरमाइन करते हैं, ये स्पेसिफिकली आपको बताते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है, RAB1, RAB2, RAB5, RAB6, RAB7, ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट है जो कि उस वेसिकल को बताते हैं कि भाई तुझे फाइनली कहाँ जाना है। और ये बताते कैसे हैं, यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल गोल्जी की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर एक गोल्जी बना लूँ, अगर हम यहाँ पे गोल्जी की बात कर रहे हैं, तो गोल्जी पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है आरएबी इफेक्टर। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है आरएबी इफेक्टर प्रोटीन। ये आरएबी इफेक्टर प्रोटीन इस आरएबी, जब ये आरएबी एक्टिव होगा इससे बाइंड कर सकता है और इसको पता चल सकता है, अगर ये दोनों बाइंड हो गए तो पता चल जाएगा कि वेसिकल को इधर ही जाना है। इन डिटेल कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे ये सब मुमकिन है। सबसे पहले हमें इस आरएबी को एक्टिव करना पड़ेगा, ये जो आरएबी इनएक्टिव है इसको हमें सबसे पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो आरएबी इनएक्टिव है इसको एक्टिव करने के लिए आता है आरएबी गेफ। सेम हमने जैसा सार में देखा था वैसे ही आरएबी गेफ आ रहा है। आरएबी गेफ आके क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा आरएबी जीटीपी में। जैसे ही ये आरएबी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आके बाइंड हो जाएगा हमारी प्यारी सी वेसिकल के साथ। ये क्या करता है, ये हमारी प्यारी सी वेसिकल के साथ आके बाइंड करता है। ये क्या है, ये है आरएबी, इससे आके बाइंड करता है। इसके साथ ही साथ ये जो यहाँ पे हमारी पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो ER की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, इसके पास प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन काइनेज। व्हाट इट हैज सम प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज क्या है, एंजाइम्स हैं। ये प्रोटीन काइनेज मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, प्रोटीन काइनेज का क्या काम होता है, किसी भी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करवाना। इनका बेसिकली क्या काम है, किसी भी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करवाना, इन शॉर्ट किसी भी प्रोटीन पे फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन करवाना। जब किसी प्रोटीन पे फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होती है तो वो प्रोटीन उस वजह से एक्टिव भी हो सकता है या फिर इनएक्टिव भी हो सकता है। और इस कंडीशन में जब यहाँ पर प्रोटीन काइनेज आता है तो ये किसका फॉस्फोराइलेशन करवाता है, यहाँ पर ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है यानी कि SEC-13, SEC-31, SEC-24, SEC-23, इनका करवा देता है फॉस्फोराइलेशन। जब इनका फॉस्फोराइलेशन होने लगता है तो इसकी क्या होने लग जाएगी, इसकी डिसअसेंबली होने लग जाएगी। डिसअसेंबली यानी कि ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ये क्या होने लगेंगे, निकलने लगेंगे। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो क्या करने लगेंगे, निकलने लगेंगे, एक्सेप्ट SAR1। SEC-13, SEC-31, SEC-23, SEC-24 ये सब डिसअसेंबल होने लगेंगे। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से देख लें तो फिलहाल यहाँ पर क्या कंडीशन प्रेजेंट है, यहाँ पर सबसे अंदर प्रेजेंट था, सबसे अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है कार्गो प्रोटीन। कार्गो प्रोटीन कार्गो रिसेप्टर के साथ बाइंड है। उसके जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट है, SAR1, जो कि फिलहाल प्रेजेंट, हम यही करते हैं कि वो फिलहाल प्रेजेंट है। और इसके बाहर यहाँ पर प्रेजेंट थे SEC-23, SEC-24 और उसके बाहर प्रेजेंट थे SEC-13 एंड SEC-31। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो आरएबी था वो एक्टिव हो गया है, तो यहाँ पर कौन आके बाइंड हो चुका है, आरएबी आके यहाँ पे बाइंड हो चुका है। आरएबी के यहाँ पे बाइंड होने की वजह से इन जो प्रोटीन्स है इनका क्या होने लग गया है, इनका होने लग गया है फॉस्फोराइलेशन शुरू। किसने किया फॉस्फोराइलेशन, प्रोटीन काइनेज ने इनका फॉस्फोराइलेशन किया। जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तब जो कोट प्रोटीन है वो होने लगेंगे डिसअसेंबल। अभी उनकी शुरुआत हुई है, वो पूरी तरीके से डिसअसेंबल हुए नहीं है, वो अभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वो अभी धीरे धीरे डिसअसेंबल होना शुरू हो रहे हैं।
इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर देखा था कि दूसरी तरफ गॉल्जी प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि अपने इस प्रोटीन का इंतजार कर रहा है बेसब्री से। यहाँ पर हमने बोला था कि क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आरएबी इफेक्टर। वंस अगेन आरएबी इफेक्टर क्या है, प्रोटीन। आरएबी इफेक्टर सबसे पहले क्या करेगा, आरएबी इफेक्टर सबसे पहले अपने इस आरएबी को पहचानेगा और इसके साथ बाइंडिंग करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं थैदरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, थैदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, जब ये इसके साथ बाइंड करेगा। वंस ये इसके साथ बाइंड करेगा तो इसको पता चल गया कि ये वेसिकल इसकी है, इसने इसको पहचान लिया कि ये वेसिकल इसकी है। स्पेसिफिक होते हैं आरएबी इफेक्टर आरएबी के लिए। तो ये क्या करने लगेगा, ये जो प्रोटीन है इस पूरी वेसिकल को अपनी तरफ खींचने लगेगा। ये क्या करने लगेगा, इस वेसिकल को खींचने लगेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डॉकिंग। जैसे कि हम शिप्स वगैरह को या फिर जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं उनको कैसे डॉक नहीं करते हैं, एक स्पेसिफिक उनके तट पे उनको डॉक किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भी इन प्रोटीन्स को डॉक किया जा रहा है। इनको डॉक करते 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 ये जो वेसिकल्स को डॉक किया जा रहा है और ये वेसिकल्स यहाँ पे आएंगे। इसी के साथ साथ ही यहाँ पर एक और चीज होती है कि ये जो आरएबी इफेक्टर के जो प्रोटीन्स है ना, वो क्या करते हैं, वो कुछ और प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर ये वेसिकल पास में आती जा रही है, तो ये कुछ और प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कर देंगे। जब ये प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाएंगे, उसकी वजह से ये और फॉस्फोराइलेशन करेंगे और फाइनली जितने भी कोट प्रोटीन है वो क्या हो जाएंगे, वो डिसअसेंबल हो जाएंगे। तो अब कहानी क्या बचेगी, कहानी इतनी बचेगी कि ये आपके पास वंस अगेन क्या प्रेजेंट है, इफेक्टर प्रोटीन प्रेजेंट है। इफेक्टर प्रोटीन ने क्या कर रखा है, इफेक्टर प्रोटीन ने आरएबी से पकड़ रखा है इस पूरी की पूरी वेसिकल को। तो यहाँ पर अब वेसिकल में बचेगा क्या, वेसिकल में सिर्फ और सिर्फ ईआर की मेम्ब्रेन बचेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे कार्गो का रिसेप्टर बचेगा, यहाँ पे उसके साथ साथ ये हमारा प्यारा सा जो प्रोटीन है वो बचेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये आरएबी प्रोटीन बनेगा। बाकी सार वगैरह सब रिलीज हो गए, बाकी सार वगैरह सब रिलीज हो जाएंगे ये इधर है। और इसको खींचा गया, यानी कि इस प्रोसेस को क्या किया गया, डॉकिंग किया गया, अपने पास इसको खींचा गया। जैसे ही यहाँ पे डॉकिंग हो जाएगी, जैसे ही ये प्रोटीन पास में आ गया, अब ये बिल्कुल पास है, आप देख सकते हैं इसने इसको पूरा खींच लिया, अब ये बिल्कुल पास है। अब क्या है फाइनल स्टेप, कि हमें इसको क्या करवाना पड़ेगा, हमें इन दोनों का फ्यूजन करवाना पड़ेगा। ये दोनों जो मेम्ब्रेन, ये दोनों ईआर की मेम्ब्रेन और गॉल्जी की मेम्ब्रेन को हमें फ्यूज करवाना है। इसके लिए अब आपको याद होगा वो जो हमने 20 स्नेयर्स बनाए थे, इन 20 स्नेयर्स का काम आता है। यहाँ पर इस वेसिकल पे क्या प्रेजेंट है, इस वेसिकल पे प्रेजेंट होते हैं वी स्नेयर। इस वी स्नेयर को पहचानने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टी स्नेयर्स। टी स्नेयर्स कहाँ प्रेजेंट है, टी स्नेयर्स गॉल्जी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये टी स्नेयर्स जो है वो कितने हो सकते हैं, वो 3-4 नंबर हो सकते हैं। ये टी स्नेयर्स क्या करेंगे, वी स्नेयर्स को कस के पकड़ लेंगे और उसको पूरा का पूरा जो वेसिकल है उसको अपनी तरफ पुल करेंगे। यहाँ पर ये रेड कलर में क्या है, टी स्नेयर है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो चुके हैं, दोनों के दोनों जो स्नेयर्स हैं वे फ्यूज हो चुके हैं और वेसिकल उसकी वजह से क्या होगी, और पास आएगी, जिसकी वजह से फाइनली इस वेसिकल का क्या हो जाएगा, फाइनली इस वेसिकल का फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके अगर ऊपर की तरफ बना दूँ, ताकि आपको इसी में ही अच्छे से समझ में आ जाए, तो अगर मैं गॉल्जी को थोड़ा सा इस तरीके से बना देती हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास गॉल्जी प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होगा, फाइनली ये जो वेसिकल है ये यहाँ पर आके फ्यूज हो गई। फ्यूज होने की वजह से जो प्रोटीन था वो हो चुका है रिलीज। ये कार्गो प्रोटीन आपने कर दिया है रिलीज। यहाँ पे प्रेजेंट है रिसेप्टर प्रोटीन और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टी स्नेयर्स एंड वी स्नेयर्स अभी भी फ्यूजन फॉर्म में प्रेजेंट है। ये इस तरीके से यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। अब आपने क्या किया, अब आपने इस प्रोटीन को रिलीज कर दिया, आपको जो प्रोटीन को रिलीज करना था आपने उस प्रोटीन को फाइनली रिलीज कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो सार है, टी सार और वी सार है, इनको अलग कैसे करें,
इन दोनों को इनएक्टिव कैसे करें और इन दोनों को अलग कैसे करें। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आता है एनएसएफ प्रोटीन। यहाँ पर इन दोनों को अलग करने के लिए कौन आएगा, इस तरीके से VSAR और इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है TSAR। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक वो आती है, प्रोटीन आता है जिसको बोलते हैं NSF प्रोटीन। ये NSF प्रोटीन क्या करेगी, ये NSF प्रोटीन एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगी, ATP का यूटिलाइजेशन करती है, जिसकी वजह से इन दोनों को फाइनली क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी। अभी तक ये नहीं पता चला है कि एक बार अगर V स्नेयर्स और T स्नेयर्स अलग हो जाते हैं तो V स्नेयर्स वापस से ER के पास कैसे जाते हैं, ये अभी आइडिया नहीं है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलता है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो है इसको लाया जाता है। एक बार यहाँ पर RAB प्रोटीन ने इन दोनों का फ्यूजन करवा दिया तो RAB प्रोटीन जो GTP से बाइंड था वो भी वंस अगेन किससे बाइंड हो जाएगा, GDP से बाइंड हो जाएगा, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, अब यहाँ पर वंस अगेन RAB प्रोटीन को रिलीज कर दिया जाएगा। RAB प्रोटीन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वंस अगेन GDP फॉर्म में प्रेजेंट है। GDP फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको पकड़ने के लिए फिर यहाँ पे आ जाएगा GDI, और ये साइकिल ऐसे ही दोहराती रह जाएगी, दोहराती जाएगी जिस तरीके से यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन होता रहेगा। अगर हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में एक बार फिर से देख लें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि ER प्रेजेंट था, कार्गो प्रोटीन ER के ल्यूमन में प्रेजेंट था, कार्गो रिसेप्टर ने उसके साथ बाइंडिंग की। SAR1 जो GDP से बाइंड था उसको GTP से बाइंड किया, किसने, SAR GEF ने। जैसे ही यहाँ पर ये बाइंड हुआ इसकी वजह से एम्फीफिलिक रीजन एक्सपोज हो गया और जिसकी वजह से ये ER की मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड होता है। जैसे ही ये ER की मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड होता है ये रिक्रूट करवा देता है SEC23 का और SEC24 का, जो कि अडैप्टर प्रोटीन है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वेसिकल्स फॉर्म होने लगेगी। उसके बाद एक आउटर कोट आ जाएगा SEC13 का और SEC31 का। इस तरीके से वेसिकल जब ये आ जाएंगे तो ये वेसिकल का पिंच ऑफ करवा देगी, वेसिकल रिलीज आउट हो जाएगी। इधर ही कुछ वी स्नेयर्स आके अटैच हो जाएंगे, वी स्नेयर्स यानी कि वेसिकल स्नेयर्स यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। अब वेसिकल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसको गॉल्जी में ले जाने का जिम्मा कौन उठाएगा, RAB उठाएगा। RAB GDP से बाइंड है, इनएक्टिव फॉर्म में, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। कौन एक्टिव करेगा, RAB GEF करेगा, जो कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है। इस ये क्या करेगा, ये GDP को निकाल देगा और GTP को अटैच करवे देगा। ये RAB GTP कहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, वेसिकल के ऊपर जाके बाइंड करेगा। जैसे ही ये वेसिकल के ऊपर जाके बाइंड करेगा तो यहाँ पे RAB इफेक्टर प्रेजेंट है, जो कि RAB एक्टिवेटेड RAB को ही सिर्फ और सिर्फ पहचान सकता है। यहाँ पर कुछ प्रोटीन काइनेज एक्टिव होने लग जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी कोटेड प्रोटीन्स हैं उनको रिमूव करने लग जाएंगे। और यहाँ पे RAB इफेक्टर क्या करेगा, हमारे प्यारे से इस RAB के साथ बाइंड होगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं टैदरिंग, और इसको खींचने लगेगा, जिसको बोलते हैं डॉकिंग। जिस तरीके से पास 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 आते रहेगा, सारे के सारे प्रोटीन्स जो है वो डिसअसेंबल हो जाएंगे, सिर्फ RAB प्रोटीन बचेगा, कार्गो प्रोटीन बचेगा। फाइनली यहाँ पे हम यहाँ तक तो ले आए, लेकिन इनका फ्यूजन कैसे करवाएं, वी स्नेयर्स और टी स्नेयर्स के थ्रू। टी स्नेयर्स कहाँ प्रेजेंट है, गॉल्जी पे प्रेजेंट है, तो टी स्नेयर्स क्या करवा सकते हैं, इन दोनों की बाइंडिंग करवा सकते हैं। फाइनली यहाँ पर क्या होगा, इनका फ्यूजन हो जाएगा। अब इन वी स्नेयर्स और टी स्नेयर्स को रिमूव करवाने के लिए NSF आएगा, एनर्जी यूज करेगा, और वी स्नेयर्स और टी स्नेयर्स को अलग कर देगा ताकि उनको इनएक्टिव कर दिया जाए। उसके साथ साथ ही यहाँ पर आपको एक और बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर हम ये जो RAB प्रोटीन्स को देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ये जो RAB प्रोटीन देखा और हमने यहाँ पर ये जो SAR प्रोटीन देखा, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों मोनोमेरिक GTPase हैं। मोनोमेरिक GTPase यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सब यूनिट के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सब यूनिट, दैट्स इट। तो ये स्टार मार्क करके याद रखना कि RAB एंड SAR1 दोनों मोनोमेरिक GTPase हैं और सिर्फ एक सब यूनिट से बने हुए हैं, तीन सब यूनिट से ये नहीं बने होते, इतना पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें एक और बात अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो वेसिकल्स होती हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कि ये जो वेसिकल्स हैं ER से जो गॉल्जी की तरफ लेकर जा रही है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है COP2 वेसिकल। ये सारी जो अभी आपने वेसिकल्स बनाई ना, इनको बोला जाता है COP2 वेसिकल, जो कि लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ER से गॉल्जी तक किसी चीज़ को लाने के लिए।
वहीं अगर आप गॉल्जी से कोई वेसिकल फॉर्म करवा रहे हो, अगर आप गॉल्जी से कोई वेसिकल फॉर्म करवा रहे हो और उसको किसी डेस्टिनेशन पे लेकर जा रहे हो, तो इसके लिए जो वेसिकल बनती है उनको बोला जाता है कोप वन वेसिकल। ये कोप टू वेसिकल है, ये कोप वन वेसिकल है, इसलिए हमारे टाइटल में भी नाम लिखा हुआ था कोप टू वेसिकल। इसके साथ साथ ही एक और वेसिकल्स होती है जिनका नाम होता है क्लैदरिन वेसिकल, जिनके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर्स में हमारे देख लेंगे। इसके साथ साथ ही मैं अगर आपको बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर जीमेल पे, आप मुझे मेल कर सकते हैं bansalbiology@gmail.com, आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर मुझे मतलब मेरे जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें ऐड हो सकते हैं बंसल बायोलॉजी, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे आराम से फॉलो कर सकते हैं, बंसल बायोलॉजी नाम है हर जगह, और अपने मेल पे मेल कर सकते हैं और आप मुझे आपके जितने भी इश्यूज हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तब तक के लिए गाइज आई वुड सजेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।